सो गाइज ये है मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड, जिसको यहाँ पे एक हार्ले डेविडसन के स्टाइल में मॉडिफाई किया है, और ये है ओरिजिनल हार्ले डेविडसन RN883 जिससे इंस्पिरेशन लेके ये मॉडिफिकेशन को किया गया है। आप दोनों बाइक में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया वो पूरी तरह से एक हार्ले डेविडसन RN883 के स्टाइल पे मॉडिफिकेशन किया गया है। आप इस बाइक को देखिए, फ्रंट से लेकर रियर पोर्शन तक आप इस बाइक को देखिए, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल ही सिमिलर लग रहा है कि एक हार्ले डेविडसन की बाइक ही है। लेकिन यदि आप इसके इंजन पर ध्यान देंगे तो इंजन से समझ में आता है कि ये एक रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड का इंजन है वो थोड़ा छोटा इंजन है, और एज़ कम्पेयर टू अगर हार्ले डेविडसन आप कंपेयर करेंगे तो हार्ले डेविडसन का इंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंजन है। लेकिन साइड प्रोफाइल देखिए, गाड़ी दिखने में बिल्कुल ज़्यादा सेम है। अगर हम फ्रंट पोर्शन शुरुआत करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला चेंज आप देखेंगे वो है इसका फ्रंट टायर। फ्रंट एंड रियर दोनों टायर यहाँ पे चेंज किए गए, थोड़े हैवी ड्यूटी यहाँ पे टायर्स लगाए हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके अलॉय व्हील में ध्यान देंगे तो इसका जो अलॉय व्हील्स है वो भी यहाँ पे सेम टू सेम एज अ हार्ले डेविडसन के स्टाइल पे रखा गया है। अब उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो हेडलाइट है वो हेडलाइट भी यहाँ पे रिप्लेस करी गई। इवन जो पीछे का जो फेंडर है वो भी कस्टमाइज़ किया गया है। यहाँ पे फ्रंट एंड रियर फेंडर दोनों को शॉर्ट किया गया है और एक सिमिलर लुक देने की कोशिश करी है, जो कि आपको हार्ले डेविडसन में देखने मिलता है, उसी तरह का यहाँ पे आपको लुक देखने मिल जा रहा है। लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो थे इसके अलॉय व्हील्स और जिसको फ्यूल टैंक, जो कॉम्बिनेशन दिया गया है दिखने में मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी पसंद आ रहा होगा। यदि बात करें इसके फ्यूल टैंक के बारे में तो जैसे मैंने बताया कि इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो बिल्कुल ही सेम एज अ हार्ले डेविडसन स्टाइल में रखा गया है। तो यहाँ पे कस्टमाइज फ्यूल टैंक लगाया गया है, साइड पैनल को भी यहाँ कस्टमाइज़ किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है जो कि आपको हार्ले डेविडसन 883 में स्टाइल में आपको देखने मिलता है। आप देख सकते हैं जो इस फ्यूल टैंक में इसको जो पेंटिंग की गई है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है यहाँ पे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बाइक मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस किए गए जो कि एक ओवरऑल एक हार्ले डेविडसन का लुक ताकि आपको देखने मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे इसका जो हैंडल बार है, हैंडल बार को भी यहाँ पे शॉर्ट किया गया है। इवन जो रियर का जो फेंडर है वो भी कस्टमाइज़ किया गया है। इवन साइड लाइट, टेल लाइट, हेडलैम्प सारा कुछ यहाँ पे चेंज किया। अभी आप देख सकते हैं कि जो इसके जो फ्यूल टैंक में इसके जो पेंट किया गया है दिखने में एक रॉयल, एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पेंट किया गया है। इवन इसका जो इंजन है वो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया, और इसको एक वॉलेट शाइन वाला फिनिश आपको देखने मिल रहा है, जो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ इसमें जो साइड का नंबर प्लेट होल्डर भी यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन स्टाइल के जैसा ही यहाँ पे जो हैंडल में साइड मिरर वो डाउनवर्ड्स की तरफ है, यूजली आपको सेम स्टाइल आपको हार्ले डेविडसन में दिखने में मिलता है। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है इस बाइक और रॉयल एनफील्ड की, ये कस्टमाइज बाइक और हार्ले डेविडसन की बाइक में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने मिल रही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये हार्ले डेविडसन को रेप्लिका बनाने में रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे से पुराना डिज़ाइन से इस बाइक को मॉडिफाई किया है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें जरूर जाना, और पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें जरूर जाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करें जरूर बताना कि कैसी लग रही है आपको ये मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड।